गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले हैं 2+2 साइक्लो एडिशन ऑफ कीटीन। तो कीटीन के बारे में मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा सा बताया था कि कीटीन जो होती है वो हमारी 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है, लेकिन वो थर्मली अलाउड होती है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वो थर्मली अलाउड होती है तो क्यों होती है, और वो फोटोकेमिकली अलाउड क्यों नहीं होती है। तो इसी को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं कीटीन का एक एग्जाम्पल। कीटीन कहते किसे हैं पहले उसे देखिए। ये ग्रुप आपको अगर कहीं दिखे तो ये है, समझ लीजिएगा ये कीटीन दिख रहा है। इससे यहाँ पर दो कोई भी ग्रुप लगा हुआ हो सकता है, या तो हाइड्रोजन लगा हो, या तो कोई एल्किल या एरिल ग्रुप, या फिर कोई हैलोजन ग्रुप। फिलहाल मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाइड्रोजन। इन दोनों पोजीशन पर कोई भी ग्रुप लगा सकता है। अगर आप C डबल बॉन्ड O दिख गया तो समझ लीजिए कि आपको कीटीन दिख रही है। इसका रिएक्शन हम कराने वाले हैं एक एल्किन से। ये CH2 है, ये CH2। तो इस बॉन्ड का मूवमेंट इधर कर दें और इसका इधर, तो बीच में एक बनेगी 4-membered ring, और ये होती है थर्मली अलाउड। फोटोकेमिकली ये अलाउड नहीं होती है। तो यहाँ पर बनेगी एक 4-membered ring, और ये रहा डबल बॉन्ड ओ यहाँ पर, और बाकी सब जगह CH2 ऐसे ही हो जाएंगे। अब इस रिएक्शन को होने के लिए इसमें कौन सा होमो है, कौन सा ल्यूमो है, इसमें FMO अप्रोच क्या है, इसको हम देखेंगे। तब जाकर हमें पता चलेगा कि इसमें थर्मली अलाउड रिएक्शन ये क्यों होती है। तो इस कार्बन से लगा हुआ इधर ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इससे ले रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ये कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट यहाँ पर लिख लेना लिखा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी है, तो ये इसका क्या अटैक करेगा, ये ल्यूमो, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल, और इसका हो जाएगा होमो। इस वाले का होमो और इस वाले का ल्यूमो, इतना हो गया। तो अब हम देखते हैं, जैसे कि हम FMO अप्रोच में क्या देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम ना, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम दो हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम दो हैं। अब यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, अब कार्बन कार्बन के बीच का हमें पाई इलेक्ट्रॉन देखना है। इस कार्बन इन दोनों कार्बन के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन दो है, इसका हमें नहीं देखना है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड वैसे ही प्रोडक्ट में वैसे ही पड़ा रहेगा, लेकिन ये इन्वॉल्व होगा बॉन्डिंग में। और यहाँ पर दो बॉन्ड बन रहा है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ पर कार्बन कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है इस कीटीन का, ये कीटीन हमारी, इस कीटीन का नंबर ऑफ कार्बन एटम टू है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन वो भी टू। हम कार्बन कार्बन के बीच की बात कर रहे हैं, इसके बीच का पाई इलेक्ट्रॉन इसको हम नहीं लेंगे। और नंबर ऑफ वेव फंक्शन कितना हो जाएगा, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम उतने नंबर ऑफ वेव फंक्शन। इसके बारे में इस तेरी साइक्लिक की शुरू वाली वीडियो में काफ़ी डिटेल्स में बताया हूँ मैं। फिलहाल मैं इसको यहाँ पर कर रहा हूँ। तो नंबर ऑफ वेव फंक्शन हमारा टू हो गया, तो यहाँ पर वेव फंक्शन कौन कौन से हो जाएंगे, यहाँ पर एक हो जाएगा Psi1 और दूसरा हो जाएगा Psi2 star। तो यहाँ पर मैं लिखूँ Psi1 और ये Psi2 star। तो इसके लिए अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन दिखाऊँ, ये हीट की कंडीशन में और फोटोकेमिकल कंडीशन में इधर दिखाते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, दो, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा होमो और ये हो जाएगा ल्यूमो। तो अब Psi2 वाला जो है वो ल्यूमो। अब जब इसका आप मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे यहाँ पर पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल, तो ये जो आपका बनेगा ना, इसमें ये Psi इवन होता है, तो इसमें जो होगा इसमें प्लस होगा, तो इसके बगल वाले में माइनस साइन होगा, इसमें प्लस इसमें माइनस, ये दोनों इन दोनों जो सबसे लास्ट वाले हैं एंड वाले, उन दोनों में साइन जो होगा वो डिफरेंट साइन होगा। अगर ये Psi इवन है तब, ये प्लस है ये माइनस। तो होमो इसका यार इंटैक्ट करने वाला है ल्यूमो, तो मैंने इसका ल्यूमो दिखा दिया है। अब बात करते हैं इसकी एल्कीन की। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम टू है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन भी टू है, नंबर ऑफ वेव फंक्शन भी टू ही हो जाएगा। यहाँ पर दिखाते हैं Psi1 ये और ये रहा Psi2। इसके लिए इलेक्ट्रॉन डाइजेशन ये थर्मल कंडीशन में, और ये मैं यहाँ पर बना दूँ ये फोटोकेमिकल कंडीशन में। तो यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर, तो ये वाला हो जाएगा होमो
और ये वाला हो जाएगा ल्यूमो। तो इसका होमो इंट्रैक्ट करेगा यानी कि शाई वन। तो इसका अगर आप मालिकुलर पाई मालिकुलर ऑर्बिटल यहाँ पर ड्रा करेंगे तो दोनों जो लास्ट वाला है उसमें सेम सेम आएगा, इसमें प्लस तो इसमें प्लस, इसमें माइनस इसमें माइनस। तो अब हम इसमें इंट्रैक्ट करा के देखने वाले हैं कि इसमें कैसे होगा। तो अभी हम यहाँ पर लिखें, इस वाले कार्बन को यहाँ पर लिखते हैं ये रहा, और इसका बॉन्ड मैं थोड़ा बड़ा इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि अभी साफ दिखेगा जो हमें बनाना है। और इससे लगा हुआ ये ऑक्सीजन है, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है फिलहाल, मैं उसको वहाँ पर ऐसे दिखाता हूँ। तो इसमें क्या बनाना है हमें, ल्यूमो यानी कि ये प्लस ये माइनस इस कार्बन पर जो यहाँ पर ऑर्बिटल बनेगा यहाँ पर। तो इन दोनों में जो ये प्लस साइन है वो डिफरेंट होगा, इसमें प्लस होगा दूसरे में माइनस होगा, इसमें प्लस इस वाले में माइनस, तो इस वाले में प्लस हो जाएगा इस वाले में माइनस। ये हो गया हमारा कीटीन का, ये हो गया कीटीन। अब हम इस एल्कीन को लाकर यहाँ पर ड्रा करें कुछ इस तरह से। तो दोनों में इसमें यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर प्लस है, इसमें कुछ नहीं किया गया, बस मैंने इसको यहाँ पर ऐसे दिखाया, ये ऐसे है इसको ऐसे दिखाया, यहाँ पर ये दोनों प्लस, यहाँ पर दोनों पे आ जाएगा ये माइनस। अब हम इसमें देखने वाले हैं इसमें कौन सा इंट्रैक्शन हो रहा है। तो हाँ, अभी एक चीज़ इसमें कीटीन वाले में छूट रही है, अभी ये वाला कार्बन जो है, ये वाला कार्बन कार्बन में ये पाई बांड तो है ही, और ये वाला कार्बन इस ऑक्सीजन से पाई बांड में जुड़ा हुआ है, तो इसका भी ऑर्बिटल हमें यहाँ पर दिखाना है। तो PX PY PZ ऑर्बिटल जो आप जानते हैं, अगर हमारा PX ऐसे है तो PY वाला ऐसे होगा और PZ वाला ऐसे होगा, ताकि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। वहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ पर मत दिखा, PX ऐसे, PY ऐसे, तो PZ ऐसे होगा। तो यहाँ पर एक ऑर्बिटल मैंने ऐसे बना दिया है, तो दूसरा वाला इसके परपेंडिकुलर मैं बनाता हूँ कुछ इस तरह से। अब आपको लगेगा यहाँ वाला जो ऑक्सीजन वाला इधर से करेगा वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेगा, तो ऐसा नहीं है। एक जैसे कि एक प्लेन में हमारा ये कीटीन है, एक ऊपर से नीचे गया है ये एक पाई बांड, और दूसरा इधर से इधर गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, इसमें हो जाएगा एक में प्लस और इसमें हो जाएगा माइनस। ये कार्बन और ऑक्सीजन वाला जो बीच का ऑर्बिटल है वो है। अब हम इसका इंट्रैक्शन दिखाते हैं। अभी इस प्लस प्लस में जो होगी वो हमारी सुपरफेशियल, जैसे प्लस प्लस होता था हमारा सुपरफेशियल, वहाँ पर बॉन्डिंग होती थी, तो यहाँ पर भी हो जाएगी ये प्लस टू प्लस, ये बॉन्डिंग, ये वाली बॉन्डिंग है और ये वाली एंटी बॉन्डिंग। अब ये प्लस प्लस, ये वाला भी बॉन्डिंग, और ये प्लस से प्लस, ये भी बॉन्डिंग। अब इसमें देखें यहाँ पर प्लस से माइनस एंटी बॉन्डिंग, और यहाँ से माइनस बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग कितना है और एंटी बॉन्डिंग कितना है, तो 1 2 3 4 4 बॉन्डिंग, 1 2 2 एंटी बॉन्डिंग, तो 4 बॉन्डिंग माइनस 2 एंटी बॉन्डिंग इज इक्वल टू यहाँ पर 2 बॉन्डिंग। यहाँ पर दिख रहा है कि 2 बॉन्ड बन रहा है, तो आप यहाँ पर रिएक्शन में देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 बॉन्ड बन रहा है। तो ये हो गई हमारी अभी थर्मली अलाउड रिएक्शन। अब हम देखते हैं कि फोटोकेमिकली क्यों नहीं होती है। तो फोटोकेमिकल में जब आप आएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ वाला जो है वो मूव होके एक्साइट होके यहाँ पर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। अब जब इसका आप ल्यूमो लेंगे तो ल्यूमो तो यही रहेगा, ये प्लस माइनस ये सेम रहेगा, और जब इसमें करेंगे ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, जब ये एक्साइट होकर यहाँ पर आएगा तब इसका ये होमो यही हो जाएगा और ल्यूमो भी यही होगा। तो इंट्रैक्ट करने वाला इसका होमो, तो यहाँ पर इसका साइड टू, तब इस साइड टू को हम, तो यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये प्लस। तो अब हम इसका ऑर्बिटल अगर यहाँ पर बना के देखें, ये हो जाएगा यहाँ पर कार्बन, ये कार्बन यहाँ पर, ये रहा ऑक्सीजन, और इसका रहा ये पाई ऑर्बिटल, ये रहा पाई ऑर्बिटल, और ये वाला रहा। और हम इस अल्कीन वाला भी यहाँ पर दिखाएं, अब प्लस माइनस का है, ये कीटीन वाला तो हमारा सेम है, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस।
अब ये अल्किन वाला डिफरेंट हुआ है, यहाँ पर प्लस तो दूसरे वाले में माइनस हो गया, अब यहाँ पर प्लस यहाँ वाले में माइनस, क्योंकि ये जब एक्साइड होकर यहाँ पर गया ना तो इसका होमो साइड टू वाला हो गया, पहले साइड वन वाला होमो था, अब साइड टू वाला होमो हो गया। अब इसमें बॉन्डिंग करके देते हैं हम, तो यहाँ से हो जाएगी ये प्लस टू प्लस, ये हो जाएगी बॉन्डिंग प्लस टू माइनस एंटी बॉन्डिंग, ये माइनस से प्लस एंटी बॉन्डिंग, ये माइनस से प्लस एंटी बॉन्डिंग, ये माइनस से प्लस, यहाँ पर ये भी एंटी बॉन्डिंग और ये माइनस से प्लस एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पर टोटल एंटी बॉन्डिंग कितने हो गया, 1 2 3 4 5 एंटी बॉन्डिंग माइनस वन बॉन्डिंग इज इक्वल टू पाँच में लगे माइनस फोर एंटी बॉन्डिंग, माइनस फोर एंटी बॉन्डिंग। या तो फिर अगर इसको आप घुमा कर करेंगे ना तो माइनस फोर बॉन्डिंग आएगा, तो यहाँ पर कोई बॉन्ड बनी नहीं रहा, इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा, तो इसीलिए थर्मली अलाउड होती है, फोटोकेम के लिए फॉरबिडन होती है। यहाँ पर माइनस फोर एंटी बॉन्डिंग, इसमें कुछ एंटी बॉन्डिंग का कोई चक्कर ही नहीं है, तो यहाँ पर दो बॉन्डिंग बनता है, यहाँ पर दो बॉन्डिंग दिखा रहा है कि दो बॉन्डिंग बन रहा है, तो इसलिए हमारी जो होती है वो थर्मली अलाउड रिएक्शन होती है और ये फोटोकेम के लिए फॉरबिडन होती है। अब देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल हम इसका, तो अब कर लेते हैं कीटीन का कुछ एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल मैंने लिख दिया यहाँ पर, उसी को करना है सिर्फ। पहला ये रहा एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन का जो कहना कही है, ये रहा C डबल बॉन्ड हो, इधर R है, ये R डैश, तो ये आपको दिख रहा है मतलब कीटीन है, तो यहाँ पर कीटीन में 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन होगी, और वो किस कंडीशन में होगी ये आपको पता चल चुका है, थर्मल कंडीशन में। अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, कभी इनके बीच में नहीं होगी, ये बॉन्ड इधर मूव, ये बॉन्ड इधर मूव, बीच में बनेगी एक फोर मेंबर रिंग, बीच में क्या बनेगी, फोर मेंबर रिंग, यहाँ पर ये फोर मेंबर रिंग, और यहाँ पर लगा हुआ ये रहा आर, और ये रहा आर डैश, और यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ लगा दो, ये कार्बोनिल, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ, ये हो गया। हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन भी सेम है, बस यहाँ पर दो ग्रुप लगा हुआ है, ये एम ई ग्रुप CH3 लगा हुआ है, समझ लीजिए। यहाँ पर भी जैसे कि यहाँ पर कोई ग्रुप लगा हुआ वो भी कीटीन है, अगर ना लगा हो तो भी कीटीन है, C डबल बॉन्ड ओ आपका, अगर आपको इतना ग्रुप दिखे तो ये समझ लीजिए ये कीटीन है, और यहाँ पर 2+2 रिएक्शन होनी है, ये बॉन्ड इधर मूव करेगा और ये वाला बॉन्ड इधर मूव करेगा, और ये रिएक्शन होगी थर्मल कंडीशन में, यहाँ पर बनेगी यहाँ पर बीच में फोर मेंबर रिंग, ये फोर मेंबर रिंग हो गई, और इससे दो बॉन्ड ऐसे ये हो जाएंगे, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड ओ, और इससे ये लगा हुआ ये दोनों बाहर की साइड है, तो इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री अगर आपको दिखानी हो तो इसको दोनों को आप दिखा सकते हैं दोनों अबव द प्लेन, या फिर इसे आप दिखा सकते हैं दोनों को बिलो द प्लेन, कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखने के बाद अगर आप इसको इस तरह से घुमा देंगे तो ये आप कहेंगे ये डाइन, और ये करेगा आपका काम डाइनोफाइल का, यहाँ पर हो जाएगी 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये भले ही ये डाइन दिख रही है लेकिन ये डाइन नहीं, ये आपको जहाँ कहीं यहाँ इसमें कहीं पर भी अगर आपको कीटीन दिखे तो उसमें हमेशा 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन होगी। अगर आपको कहीं किसी भी क्वेश्चन में अगर कीटीन दिख रहा है और वहाँ पर डाइन हो लेकिन वहाँ पर भी 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन ही होगी, तो ये बॉन्ड इस साइड मूव करेगा और ये बॉन्ड इस साइड मूव करेगा, यहाँ पर फोर मेंबर रिंग और ये फाइव मेंबर उससे जुड़ी होगी, और ये रहा डबल बॉन्ड, और इससे लगा हुआ ये नीचे ये इधर CL और इधर डबल बॉन्ड ओ। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कीटीन दिख रहा हो और वहाँ पर 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन पॉसिबल हो लेकिन वहाँ पर कीटीन है तो वहाँ पर आप करेंगे कीटीन 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन कीटीन का, 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन नहीं करेंगे। चलिए अब इसको करते हैं चौथा क्वेश्चन हमारा, इसमें क्या है कुछ नहीं है, ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड इधर, इधर बनेगी फोर मेंबर रिंग, इधर सिक्स मेंबर से लगा हुआ ये ओ, जैसे लगा वैसे लगा दो, और इधर हो जाएगा आपका ये कार्बोनिल ग्रुप, और इधर ये एच, इधर आर, ये हो गया हमारा पांचवा चौथा। अब हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, पांचवा में क्या है, इसमें भी आपको इधर दिख रहा है ये कि ये या यहाँ पर आपको डाइन दिख रही है, यानी कि 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन यहाँ पर पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, C डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर कीटीन है, ये कीटीन हमारी, ये वाली कीटीन, तो यहाँ पर होगी हमारी 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन, ये होती है थर्मल कंडीशन में, यहाँ बन जाएगी फोर मेंबर रिंग, यहाँ लगा हुआ डबल बॉन्ड ओ यानी कार्बोनिल ग्रुप,
और इधर ये लगा हुआ ये ऐसे ऐसे इधर बना था फॉर मेमोरिंग, और यहाँ पर है यक्स और यहाँ पर वाई। ये हो गया हमारा। अब देखते हैं छठवा क्वेश्चन, थर्मली अलाउड यहाँ पर होगा डबल बॉन्ड, तो इसमें भी वही है, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, बीच में बनेगी एक फोर मेंबर टीम, और इससे लगी हुई है ये फाइव मेंबर टीम इधर, इधर आयन और ये सी ओ टू ई टी, और यहाँ पर दो लगा हुआ सी एल, ये इधर सी एल और एक सी एल इधर, ये डबल बॉन्ड। ओ बस लास्ट वाला क्वेश्चन हमें करना है। इसमें क्या आपको दिख रहा है, ये आपका कीटिन दवाई, इसमें मैंने सारा एग्जांपल कीटिन ही के लिए है, कीटिन है इसमें, तो ये सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, सी इधर कोई जो ग्रुप एम ई ग्रुप, इधर एम ई ग्रुप, सबसे सेम है, तो ये वाला रिएक्ट करेगा या ये वाला, सबसे सेम है, कोई भी करा दूँ, कोई एक होगा, ठीक है, और ये हो जाएगी ये डबल बॉन्ड ओ, ये बॉन्ड अगर इधर मूव करें और ये बॉन्ड इधर मूव करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दो ग्रुप ऐसे, और यहाँ पे लगा हुआ ये टी बी यू और इधर सी एन, यह देख लीजिए इतना हो गया, इतना मैंने नीचे कर दिया, और ये डबल बॉन्ड ओ हो गया ऊपर, और फिर इससे लगा हुआ ये डबल बॉन्ड सी, फिर इससे लगा हुआ इधर ये दो, इससे लगा हुआ ये दो, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।